जय श्री श्याम भक्तो, हम विजयनगर से निकले थे 10 मिनट पहले अनूपगढ़ होकर के। हम जा रहे हैं 365 खाटू श्याम जी का मंदिर है, आज 11 है, तो आप सभी को हम इस टूर का भ्रमण करवाएंगे मंदिर का। ये देखिए राम सिंहपुर पहुंच गए हैं, काफी बड़ा ये जिला बनाने की मांग हो रही है राम सिंहपुर को, लेकिन बनेगा नहीं। ये यहाँ पे शर्मा मिष्ठान भंडार है, शर्मा वेजिटेबल स्टोर है, सतवीर जी शर्मा का है। सतवीर जी शर्मा काफी फेमस विख्यात कुख्यात है, आपके जो हलवाइयों में से एक है। ये राम सिंहपुर का बाजार है। इसके बाद आपको मिला देते हैं श्रीमान जगमीत जी बराड से। जय श्री राम। तो हमारा इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा दूं, हमारे जगमीत जी बराड खींचिया वाले। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ये है नवजोत जी संधू, ये हमारे यूट्यूब का सारा संभालते हैं। ये संजय जी जिनागर है, मुझसे वाला क्योंकि बहुत बड़े फैन है, ये आपका भी फैन है, ये कटर फैन है, और सारा ITR यू का डिपार्टमेंट ये संभालते हैं हमारा। ये भुवनेश जी स्वामी है, ये 22 GB वाले हैं। इनका क्या है, थोड़ा अलग कैसा है ये, थोड़ा इस वीडियो में समझा नहीं पाएंगे क्योंकि ये धार्मिक वीडियो है। और ये वैसे हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा SBI और काफी बाकी ऑडिट्स डिपार्टमेंट ATG डिपार्टमेंट ये सब देखते हैं, और इन सबको मैं देखता हूँ, और इन सबको हमें देखना पड़ता है सब नहीं तो ये काम नहीं करेंगे फिर तो क्या, कैसे बात बने, काम तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अनूपगढ़ से हम निकले थे, उसके बाद में गढ़साना आया था, उसके बाद में रावड़ा आया था, रावड़े के 3-4 किलोमीटर के बाद में लिंक रोड निकली, 365 धाम नाम से यहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है, लिंक रोड निकली है। आसपास में बिल्कुल हरियाली, गांव खेत है। इस लिंक रोड से 12 किलोमीटर आगे और बताया जा रहा है कि यहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है, वो सामने देख सकते हैं, मिट्टी के टीले रेत वगैरह भी है, वो भी कोशिश करेंगे कवर करेंगे हम काफी सारी चीजें, तो बने रहे। टेम्पो वगैरह काफी साधन जा रहे हैं, गाड़ियां पर्सनल भी जा रही है, कार भी आ रही है, वो देखिए सामने से बाइकें भी जा रही है। तो ब्रड साहब आपको आज शायद पहली बार जा रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल पहली बार जा रहे हैं, काफी एक्साइटेड होंगे यार। रावड़ा भी दूसरी बार ही आए थे। ठीक है, इस तरफ पहली बार निकले। चलो आशा करते हैं आपके साथ समय बिताने का मैं मिला। पुनः जी तो आप क्या यात्रा रहती है, इसका क्या महत्व है स्वामी जी? कैसे आपकी तरह ये थोड़ा बीमार है? मैं बीमार हूँ। आप मानसिक रूप से बीमार नहीं होने चाहिए। मैं शारीरिक रूप से बीमार हूँ। ये देखो जो खेती करने के लिए उन्होंने टीले लगाए हैं, वैसे ये जो प्राकृतिक टीले नहीं है आगे वाले। अच्छा ये पहाड़ है वो सामने उसके ना मिट्टी के कनेक्टर साइड मोड़ लो ब्रद साहब, इधर तो रास्ता भी नहीं है। कार से कनेक्टर नहीं होता फिर भी कहते ना कनेक्टर साइड मोड़ लो। इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे भी दे रखा है 365 हेड दाम, काफी हारे का सारा है बाबा श्याम खट्टू श्याम हमारा है। तो हम निकल पड़े हैं, बिल्कुल ही नजदीक आ चुके हैं 365 धाम के। तो हम 365 RD आ चुके हैं, 365 RD लिखा हुआ देखो RD। तो यहाँ पे खाटू श्याम जी का बहुत ही पवित्र धाम बना हुआ है। जगमीत जी बराड खिचिया वाले बराड साहब आए हुए हैं, संजय जी आए हुए हैं, स्वामी जी आए हुए हैं, तो आपको लाइव दर्शन करवाते हैं। बिल्कुल चलिए आइए। छोटा छोटा शॉट ले लें तो बंद करके दोबारा करके भी ले सकते हो, तो कंटिन्यू रखो तो भी आपकी मर्जी है। कई बार क्या होते हैं ना, जैसे मान लो कोई मिक्सिंग तो करनी करनी है। हाँ वो भी है। ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਮਝ ਕਰੋ।
श्री श्याम 365 मंदिर धाम बिल्कुल दरबार पर आ गए हैं। कुछ लोग अंदर भीख मांगते हैं, कुछ बाहर भीख मांगते हैं। आप मंदिर के दर्शन देखते हैं अगर अलाउ होगा। वैसे तो अलाउ होगा कैमरा, फिर भी थोड़ी सी पे आपको तो दर्शन करवाएंगे। किचन वगैरह है, लंगर चल रहा है, आपको लंगर के भी दर्शन कराएंगे, एक एक प्रसादा चख लेंगे साथ में। स्वामी जी थक गए हैं लगता है। क्या हुआ स्वामी जी, थक गए? स्वामी जी आप पहले कभी आए हो यहाँ पे? नहीं सर, पहली बार आया हूँ। श्री श्याम मंदिर 365 धाम के अंदर के आपको लाइव दर्शन करवाए थे। आपको यहाँ पे लंगर का जैसे हमें जगह मिलेगी जरूर आपको। डॉक्टर साहब काफी बेताब भी थे। स्वामी जी थोड़े सुस्त हैं, इनको थोड़ी दिक्कत है, हाथ काम करता है, बुखार से प्रार्थना किए थे जल्द से स्वास्थ्य दिख रहा है। दीर्घायु, दीर्घायु नहीं ज़्यादा खुश रहें, आयु दीर्घ का भी कुछ ज़्यादा खुश रहें और बाकी को भी खुश रखें। अगली बार जब जाएँ पर मीठों मीठे गुलगुले हैं, इनका लंगर चलता है यहाँ पे।
सॉस के साथ, मीठों के साथ चटनी दे रहे हो आप। अच्छा नमकीन भी है, नमकीन गुलगुले भी होते हैं, पकोड़े भी कह सकते हैं इनको। जय श्री श्याम भक्तों, जैसे कि वहाँ पे सेवादार लंगर चल रहा था तो हमने उनसे पूछा कि सर हमें मंदिर का इतिहास बताइए कि यहाँ मंदिर क्यों है, क्या मान्यता है यहाँ की। तो उन्होंने एक पारिक जी का नाम लिया, परिवार में थे, उनको आदेश हुआ था ऊपर से कि यहाँ पे एक मंदिर बनना चाहिए। तो 2014 के अंदर ये मंदिर बन गया था। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सेवा की है, उनके 2-3 काम रुके हुए थे, वो काम पूरे हो गए। उसके बाद में उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं सच्चे मन से, अगर कोई श्रद्धालु आता है तो 100 में से 90% तक लोग हैं अपने जो पूरे के पूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, बाकी जो 10% लोग हैं वो तो वैसे ही बिना मनोकामना के आते हैं। तो ये उन्होंने बताया था। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप लोगों ने ब्लॉग में बने रहे लास्ट तक, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा श्याम आप सबकी कृपा पूरी करें, आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, सभी मनोकामना पूरी हो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।